कार्ड ले लीजिए, वीजा कार्ड ले लीजिए, एटीएम कार्ड ले लीजिए, सर आप कौन सी कंपनी कार्ड यूज करते हैं, क्या आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, तो कुछ इन्हीं तरीके के सवाल से इरिटेट किया जाता है जब आप बैंक में जाते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल या कहीं पर भी आप जाते हैं, तो जो एजेंट्स खड़े होते हैं तो वो लोग इसी तरीके के सवालों से आपको करते हैं इरिटेट कि सर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किस का बैंक का यूज़ करते हैं आप, तो आप बनवा लीजिए, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये वो। तो आखिर क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स, क्या होते हैं डेबिट कार्ड, तो क्या होता है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या फिर होता है रुपए कार्ड, तो इन तीनों कार्ड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इन तीनों कार्ड्स को यू बनाया गया, क्यों हम अलग अलग तरीके से जानते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे आखिर ये आए, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में। तो मेरा नाम है आभास, आप देख रहे हैं आभास इन्फिनिटी चैनल, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो भाइयों बात कुछ ऐसी है कि जो मास्टर या वीज़ा या फिर रुपए कार्ड है, इन सारे कार्ड्स का जो मेन मोटिव है या मेन यूज है वो है सिर्फ पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, चाहे वो नेट बैंकिंग या फिर आपको वो एटीएम कार्ड से कैश निकालना या फिर किसी तरीके का पेमेंट से रिलेटेड काम, शॉपिंग या कुछ भी हो गया, इसके अलावा इनका काम कुछ भी नहीं है। अब कुछ ऐसे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, कुछ सिर्फ नेशनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, ये है डिफरेंस इन तीनों कार्ड में। अगर हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग क्यों हुई, स्टार्टिंग ऐसे हुई कि सबसे पहले जो बैंक्स बनी, लोग कोई भी सामान खरीदना था तो फिर वो कैश लेने के लिए बैंक से जाते थे। अब जब धीरे धीरे ज़्यादा अकाउंट्स ओपन होने लगे, लोग ज़्यादा इकट्ठे होने लगे, बैंक्स कम थी और लोग ज़्यादा थे, भीड़ इकट्ठी होने लगी और उसके बाद बैंक्स भी खुली, भीड़ भी और इकट्ठी होने लगी और फिर लगने लगी लाइन। तो लोगों ने सोचा कि इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है लाइन्स के लिए कैश लेने के लिए, अब फिर क्या होता था, कोई भी सामान हमको परचेज करना है तो उसके लिए कैश निकालने के लिए बैंक में आते, लंबी लाइन में लगते थे, उसके बाद कैश निकालते थे, फिर हम वो कैश ले जाकर शॉपिंग वाले को देते थे, वो लेता था, फिर वो लंबी लाइन में लग के जमा करता था। मतलब जब कैश को घुमा फिरा के बैंक में ही पहुंचाना है तो क्यों ना एक बीच में पेमेंट गेटवे बना दिया जाए जो कि सीधे मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट तक कैश को ट्रांसफर कर दे और जो बीच में बार बार बैंक लाइन में लगने के झंझट है ये खत्म हो जाए। तो फिर हुआ क्या कि एटीएम मशीन उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई। एटीएम मशीन में आपको और आपके एक नंबर के साथ आपके नाम का कार्ड अलॉट कर दिया जाता है, उस कार्ड को लगा के आप एटीएम मशीन में से कैश निकाल लीजिए, फिर आप जाइए शॉपिंग कीजिए या फिर किसी को भी दीजिए, वो अपने बैंक अकाउंट में फिर डाले। मतलब घूम फिर के बात तो वहीं पे थी, आपको दे दिया गया डेबिट कार्ड, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट करते थे कहीं पे जाके तो उसके लिए उस बंदे का भी उसी बैंक अकाउंट में अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अब इसमें कितने सारे बैंक अकाउंट को हर एक आदमी को अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा झंझट हो गया। तो फिर वीज़ा आईएनसी और मास्टर कार्ड ने फिर बीच में पेमेंट गेटवे की तरीके से वर्क करके अपना एक बीच में मेडिएटर बन गए और सारी बैंक से अपना कनेक्शन कर लिया और बात कर ली, अपने सारी जगह पे अपनी पहुंच बना ली सारी बैंकों में कि भाई हम आपने अपना कार्ड देंगे, हमें एक नंबर आप अलॉट करेंगे, उससे सारी चीज़ें रजिस्टर होंगे, एक पूरा उन्होंने अपना डेटा स्टोरेज कर लिया, सब जगह हब बन गया उनका डेटा का। और उसके बाद जो भी सारे नंबर से अलॉटेड नए जो भी एटीएम कार्ड्स आपको अलॉट किए जाते थे उसमें वीज़ा या मास्टर कार्ड आता था, जो कि सारी बैंकों से उन कंपनियों का टाई अप हो गया था, वो बन गए थे पेमेंट गेटवे। अब कोई भी अगर बैंक में किसी बैंक में है उसका अकाउंट, सिर्फ आप जब कार्ड स्वाइप करेंगे तो उसका जो डेटा है वो उसमें एनालाइज होगा और सीधे उतना अमाउंट उसके बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब नहीं है कि बीच में आपका कौन से बैंक अकाउंट में अकाउंट है या किस बैंक में जिस आप बंदे को दे रहे हो उसका अकाउंट है। तो बीच में बन गए मेडिएटर, तो उनको होने लगी बहुत ज़्यादा इनकम। फिर अब क्योंकि ये दोनों कंपनियाँ थी यूएस की, तो उन दोनों के पास सारा डेटा स्टोर था और जो भी पैसा आता था कार्ड को बनाने का जो भी चार्ज होता था वो भी ज़्यादा होता था और जो पर ट्रांजैक्शन चार्ज होता था वो भी ज़्यादा होता था। तो फिर उसके बाद फिर हमारे इंडिया में NPCI या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से रुपए कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने कहा जो चीज़ वीज़ा और मास्टर कर रहे हैं क्यों ना हम भी अपना खुद का रुपए नाम से पेमेंट गेटवे तैयार कर लें और रुपए नाम के डेबिट कार्ड इशू करने लगे जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड का होता था, उस तरीके से हम क्यों ना करने लगे। तो फिर उसके बाद रुपए कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया और फिर बताया गया जगह जगह पे कि भाई रुपए कार्ड आप यूज़ कीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनियां यूएस की थी और ज़्यादा चार्जेस करती थी, तो रुपए कार्ड को उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कम चार्जेस करना पड़ा, जिससे बैंक को भी काफ़ी फ़ायदा हो गया इशू करने में, उनको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे और लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि हम कैशबैक मिल रहा है, ये मिल रहा है। और जगह जगह उसको प्रमोट किया गया रुपए कार्ड्स को कि आप यूज़ कीजिए कैसे भी रुपए कार्ड्स को, जिससे कि वो चीज़ जो पैसा है और जो भी डेटाबेस है उसका वो सब रहे इंडिया में। कि अगर आप चाहते हैं वीज़ा या मास्टर कार्ड तो बैंक से आप बोलिए, वो आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड भी अलॉट कर देगी। क्योंकि अब रुपए कार्ड में क्या है कि रुपए कार्ड इंटरनेशनली या ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है,
वीजा और मास्टर कार्ड के सब जगह पहुंच है इंटरनेशनली, ग्लोबली। आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, वीजा और मास्टर कार्ड दोनों ही आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं इंटरनेशनली। पर रुपए कार्ड भी कहीं कहीं पे एक्सेप्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिर्फ इंडिया, इंडिया में ही तो रुपए कार्ड अच्छे से चल रहा है, पर जो आउट ऑफ इंडिया आप जाएंगे तो रुपए कार्ड का इतना ज़्यादा इंटरनेट एक्सेप्टेड नहीं है हर कंट्री में। कुछ कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है, टाई अप है, धीरे धीरे वो चीज़ इंक्रीज होगी, पर अभी के लिए तो इंटरनेशनली वीज़ा और मास्टर कार्ड का ही एक्सेप्टेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो चलिए आपके लिए वीज़ा मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड ठीक है, पर अगर आप इंडिया में ही नेशनली रहते हैं तो रुपए कार्ड यूज़ कीजिए अपने इंडिया को और डिजिटल इंडिया जैसी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। तो फिर जब रुपए कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद में वीज़ा और मास्टर कार्ड की होने लगी कम डिमांड, तो इस वजह से उन लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों ही दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, दोनों ही अपने अपने ऐड चलाने लगे, जिसमें कि इरफान खान आते थे कि एक ऐड में, तो फिर उन दोनों में ऐड चलाते लगे और फ़ायदे बताने लगे क्या कुछ खास है हमारे वीज़ा और मास्टर कार्ड में। तो बस इतनी सी बात है वीज़ा मास्टर और रुपए कार्ड के बारे में, इसके अलावा और कोई भी ज़्यादा कुछ बात है नहीं। तो आज के टाइम में वीज़ा और मास्टर और रुपए इन तीनों ने ही इंडिया में पकड़ बना के रखी है, तीनों ही आपस में बन गए हैं कॉम्पिटिटर एक दूसरे के, और दे रहे हैं लोगों को, कस्टमर को अलग अलग डिस्काउंटेड ऑफर। तो घुमा फिरा के फ़ायदा तो अपना ही है, हम कस्टमर्स हैं, हमारा ही है। अगर हम रुपए को यूज़ करेंगे नेशनली, अगर हम रहते हैं ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो रुपए को यूज़ करेंगे, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडिया की इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी, जो भी इंडिया का डेटाबेस है वो इंडिया में ही रहेगा, और जो भी चार्जेस अगर कम रुपए कार्ड में कम चार्जेस हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के मुताबिक, और जो भी चार्जेस है वो इंडिया में ही रहेंगे। तो इन सब तरीके से रुपए कार्ड लेने में हमें फ़ायदा है, लेकिन अगर आपका यूजेज है तो आप वीज़ा या मास्टर भी लीजिए। तो इतनी सी बात थी वीज़ा एएनसी मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड में डिफरेंस के बारे में। ये तीनों ही कार्ड आप यूज़ कीजिए बिंदास, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आपके पास जो भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से किस तरीके कार्ड्स आपके पास सबसे, बैंक अकाउंट पासवर्ड आईडी है, ये सब मत डालिएगा कमेंट में। सिर्फ ये बताइएगा कि वीज़ा मास्टर या रुपए में से कौन से कार्ड आप सबसे ज़्यादा आपके पास हैं अभी के टाइम में, आप कितने ज़्यादा यूज़ करते हो, क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी पहले से, मुझे बताइए नीचे कॉमेंट्स में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और शेयर कीजिए जिससे आपके और भी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स सभी लोग जाने वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड में डिफरेंस क्या है, और ये तीनों कंपटीटर हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं अलग अलग कार्ड्स। तो मेरा नाम है आभास, विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशहाल रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से कर लीजिए, और किसी भी तरीके के फटाफट अपडेट से वंचित ना रहने के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, लिंक दे दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में।